वालों को और किसी को कुछ कहना नहीं है, हैं? मेरी दो बेटियाँ इन गांव वालों के आंखों में खटकती रहती हैं। मैं नहीं जानती हूँ, हैं? नास पीटे, इनके पास कोई काम तो है नहीं, बस मेरी बेटियों को कोसते रहते हैं। ओ मौसी, मौसी बारिश में भींग कर कहाँ जा रही हो? आ जाओ इधर मेरे पास छतरी है, पहुँचा दूंगा तुम्हें। अरे रे, जा जाके उधर मर, हैं? मैं चली जाऊंगी खुद से। तुझे क्या लगता है, बूढ़ी हो गई हूँ तो खुद से नहीं जा सकती क्या? मुझे अभी भी तेरे जैसे कबूतरों की जरूरत नहीं है। अरे मौसी, क्या बात है, बहुत गरम गरम हो, का जरूर कोई बात हुई है। अब बताओ, बताने से दिल हल्का हो जाता है। अरे जा नास पीटे, जाके हल्का होके आ तू, मुझे हल्का नहीं होना है। अच्छा ठीक है मौसी, जैसी तेरी मर्जी। अरे कहाँ हो रुनकी, कहाँ हो झुनकी, हैं? अरे माँ कहाँ चली गई थी तुम? अरे कहाँ जाऊंगी, खेतों में गई थी, खेत भी तो देखना होगा ना। माँ मैंने तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है। भूख तो लगी है, नास पीटे मेरा दिन खराब कर गए। आओ माँ खाना खाओ। ए झुनकी जल्दी से पानी लेके आ, लाई दीदी लाई। अरे एकदम अकल की अंधी है क्या तू, हैं? बाहर बारिश हो रही है और तू मुझे पंखा झेल रही है। चल बंद कर इस पंखे को। हाँ माँ मैं अभी बंद कर देती हूँ। क्या हुआ माँ, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे क्या होगा, ये नास पीटे गांव वाले तुम दोनों को देखकर जलते रहते हैं। कब ब्याह करोगी, कब ब्याह करोगी? ऐसा लगता है तुम दोनों मेरा नहीं खा रही हो बल्कि इन गांव वालों का खा रही हो, हैं? अरे सोच तो मैं भी रही हूँ, ब्याह कर दूँ लेकिन कैसे करूँ, घर में पैसे होने चाहिए ना। ब्याह में खर्च कितना होता है, ये गांव वाले फूटी कौड़ी की मदद तो करेंगे नहीं लेकिन ताने देने से पीछे नहीं हटते। माँ तुम बेकार में सोच रही हो, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कहाँ से ठीक होगा रुनकी, मैं मिली थी मुखिया जी से, मुखिया जी कह रहे थे इस बार की फसल बेचकर सारा ब्याज चुका देना, बारिश आ रही है वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूं। अब बता ऐसे में क्या होगा, तेरे पिता ने बहुत सारा कर्जा मेरे माथे पे लाद दिया, अब मैं किसी तरीके से कोशिश करती हूँ लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। माँ तुम चुपचाप खाना खाओ पहले और आराम करो, गांव वालों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ ऊपर वाला कभी भी बुरा नहीं करेगा, अच्छा ही होगा। हाँ बिटिया। दीदी माँ बहुत परेशान है। हाँ रे परेशान तो है लेकिन क्या किया जाए, माँ को हमने कितनी बार कहा है हमें भी खेतों में जाने दो लेकिन माँ जाने ही नहीं देती। दीदी हम कल फिर बात करेंगे, माँ के साथ खेतों में जाएंगे, अकेले माँ से काम नहीं होता है और ऐसे तो माँ कभी भी नहीं चुका पाएगी मुखिया का कर्जा। हाँ रे बात तो ठीक है, अब कल की कल देखी जाएगी, अभी चुपचाप सो जा, बाहर बारिश हो रही है, बड़ी अच्छी यार नींद आएगी। ठीक है दीदी। ये लो माँ। अरे नहीं पोटली में बांध दे, खेत पे ही खा लूंगी। माँ एक बात कहूँ? क्या बोल, जल्दी जल्दी बोल, जाना है मुझे,
माँ हम दोनों भी तुम्हारे साथ खेत में चले क्या? अरे पगला गई है, गांव के लोग तो वैसे ही ताना देते रहते हैं। तुम दोनों को ले जाऊंगी तो कहेंगे कि बेटी की कमाई खा रही है, इसीलिए ब्याह नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, नहीं जाना होगा कहीं। तुम दोनों घर में ही रहो, मैं जा रही हूँ, और कहीं बाहर नहीं जाना। ठीक है माँ। मौसी, ओ मौसी, क्या हाल है? अरे रे रे, आया काला कौवा, बता कल मुहे आज इधर कैसे आना हुआ? अरे मौसी, मैं तो काफी दिनों से शहर गया था। हैं, सुना है शहर में खूब माल कमाया तूने। अरे कहाँ मौसी, थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह बेच लेता हूँ, उसी से जो मुनाफा हो जाता है। सोचा गांव घूम लूं, काफी दिनों से गांव नहीं आया था, मजा आ गया गांव आकर, बहुत दिनों बाद। अच्छा मौसी चलता हूँ, अपनी दोनों बेटी का ब्याह किया कि नहीं? अरे कहाँ किया कल मुहे, अच्छा लड़का तो मैंने देख रखा है, बस थोड़े पैसे जुगाड़ कर रही हूँ, ब्याह का खर्चा निकल जाए तो बस बहुत अच्छे से ब्याह करूँगी अपने दोनों बेटियों का। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, चलता हूँ मौसी। और मीनू क्या हाल है? अरे मुखिया जी आ गए आप? हाँ हाँ। हाँ क्यों नहीं, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। अरे मौसी ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बोल क्या कहना है? अरे कहना क्या है, पैसे लेने आया था। अरे इस खेत में मिट्टी मिलती है, पैसे नहीं दो टोकरी दे दूं? देखो मौसी जुबान संभाल लो, पैसे तो मुझे हर हाल में चाहिए, आना कानी वाली बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, कान खोल के गांठ बांध लो। हाँ हाँ समझ गई, दे दूंगी तेरे पैसे। मौसी मुखिया नाम है मेरा, मुखिया याद रखना, सड़क पर ले आऊंगा भरी बरसात में, दोनों बेटियों के साथ बारिश में भींगती नजर आओगी, जरूरत से ज्यादा जुबान मत चलाया करो मेरे सामने। अरे रे रे, ये तो बहुत खतरनाक होता जा रहा है। अरे घर में कोई है क्या? भूख लगी है, कोई है तो एक प्लेट खाना दे दो। अरे अम्मा क्या चाहिए? अरे भूख लगी है बच्चियों, आ कुछ खाने को है तो दे दो। ए जुनकी जा तो देख तो क्या खाना बचा है, लाकर बूढ़ी अम्मा को दे दे, अभी लाई दीदी। कितने दिनों बाद खाया, बहुत अच्छा है, तुम दोनों बहन भी बहुत अच्छे हो। अरे सुखी रहो खुश रहो। अम्मा यही तो दो चीजें हैं जो अभी तक हमारे घर में नहीं है। अरे बिटिया मैं सब जानती हूँ, ये लो इस थैली में कुछ बीज है, तुम्हारी अम्मा नहीं चाहती कि तुम खेतों में काम करो, इन बीजों को लो और यहाँ फैला दो, तुम्हारे आंगन में इतनी सब्जियाँ होंगी कि सब्जियों से तुम्हारा आंगन भर जाएगा, खूब बेचना और खूब पैसे कमाना। ला झुनकी वो जो बीज है वो सारे बीज ला जल्दी जल्दी।
अरे रे रे, ये आंगन में क्या उगाए हैं? अरे ये तो सब्जियां हैं, ये अचानक से क्या हो गया? रुनकी झुनकी, ये इतनी सारी सब्जियां, टमाटर, बैंगन, पालक, अरे ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत सारी सब्जियां हैं। मैं इसे लेकर जाती हूँ और बाजार में बेच आती हूँ, देखती हूँ कितने पैसे मिलते हैं। अरे मौसी, तुम इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर कहां से आई हो? अरे रे, कल मुहा तू वापस शहर नहीं गया? जाऊंगा मौसी, बस जा ही रहा था, आज सोचा बाजार घूम लूं और इसीलिए यहां आ गया। तुम तो बहुत अच्छी ताजी ताजी सब्जियां बेच रही हो। अरे रे, मेरी बेटियों ने आंगन में उगाया है। ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मौसी, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ क्या? अरे दीदी, चलना, जैसे ही सब्जियाँ बिक जाएंगी वैसे ही चलना। अरे ये सब्जियाँ तो तुम मुझे ही बेच दो, चलो मैं एक बार देखना चाहता हूँ जहाँ तुम सब्जियाँ उगाती हो। ये ले कलमुहा, देख कितनी सारी सब्जियां हैं। अरे अरे मौसी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बैलगाड़ी मंगवाता हूँ, सारी सब्जियां मेरी बैलगाड़ी में लाद दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मेरे शहर में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मैं इन सारी सब्जियों को शहर में बेच दूंगा और तुम्हें बैठे बिठाए मुनाफा हो जाएगा, परेशान मत हो। रे, इसे दे, इसे पूड़ियां थोड़ा ज्यादा दे मंगरू। हाँ हाँ मौसी, दे रहा हूँ। अरे रे, नहीं नहीं, अरे क्यों नहीं, तू तो ज्यादा ही खा, तू कितना ताना मारा करती थी मुझे मेरी बेटियों को लेकर, अब कम से कम खा तो ले। मीनू मौसी ने बहुत अच्छा भोज दिया था और गांव के लोग भी बहुत खुश थे। अब मीनू मौसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अरे कालू भैया, ओ कालू भैया, घर में हो क्या? कौन है बाहर, इतनी रात गए, कौन याद कर रहा है आपको? अरे ये तो गुन्नू की आवाज लग रही है, इतनी रात गए कौन सा काम आ गया? ठहरो, मैं आता हूँ बाहर, जाकर देखता हूँ क्या बात है। जाओ, अब तो तुम्हें चैन से खाने को भी नहीं देते लोग। अरे बिजली, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे गुन्नू भैया, इतनी रात को क्या बात है? अरे भाई, तुम्हें बुलाया है मुखिया जी ने, तुमको बुला रहे हैं। मुखिया जी ने कहा है अभी के अभी बुलावा भेजो। अरे इस मुखिया को रात में भी चैन नहीं है, क्या चाहता है ये मुखिया? जाऊंगा, चला जाऊंगा,
अरे चला जाना कालू भैया, वरना पता चला कि कहीं काम से ना निकाल दे, साला है बड़ा खड़ूस। हाँ भाई वो बात तो है, जा रहा हूँ, क्या करूँगा। अच्छा भैया मैं तो चला घर, जाऊंगा गिन्नी के हाथ के बने बने नरम नरम दाल रोटी खाऊंगा और जाकर सो जाऊंगा। हाँ भाई जा, तेरी जैसी किस्मत सबकी थोड़ी है। बिजली मुझे जाना होगा थोड़ा सा। कहाँ जा रहे हो? अरे बिजली जाना होगा मुखिया के पास, कुछ काम है। जाओ क्या कर सकते हैं, मुखिया जी तो बैल की तरह तुम्हें दिन रात खटाते हैं लेकिन कभी भी पैसे समय पे नहीं देते हैं। हाँ वो तो है लेकिन क्या कर सकते हैं, एक ही काम है, वो काम भी हाथ से छिन जाएगा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जाता हूँ मैं। बाप रे इस रात में जंगल को पार करने में भी डर लग रहा है, लेकिन ये मुखिया बाज थोड़ी आता है, उसे तो बस अपने नौकरों से काम करवाना है। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे आ गया कालू, आ बढ़िया किया बढ़िया किया, तेरा ही इंतजार कर रहा था। मालिक इतनी रात गए कौन सा काम आ गया? अरे कुछ नहीं, वो जो गोदाम है ना, जरा उसकी रखवाली करनी है। मालिक उसकी रखवाली तो हरिया करता है ना? अरे आज हरिया छुट्टी पे है। मालिक आपने सुबह नहीं बताया, मैं सुबह सो लेता तो रात में जग जाता। अरे अभी मुझे पता चला कि हरिया नहीं आ रहा है, इसीलिए तुझे अभी काम पर बुला लिया है, चला जा वहाँ पे। मालिक इस महीने के वेतन ये ले, एकदम तूने कर दी ना कमीनों वाली बात। हाँ अभी रात में कोई वेतन लेकर बैठा है, पैसे दे दूंगा। भागा जा रहा हूँ क्या? और सुन मैं भी तेरी हरकतों से परेशान हो गया हूँ, अगर जरूरत से ज्यादा पैसे चाहिए तो काम दूसरा देख लो, मैं भी किसी दूसरे को देख लूंगा। अरे नहीं मालिक, बस मैं तो इसलिए कह रहा था कि राशन घर में खत्म हो चुका है, सोच रहा था आप पैसे दे देते तो घर में राशन ले आता। ज्यादा सोचा मत कर, जा और जाकर काम कर। ये लो अब रात भर पहरेदारी करनी होगी, इस कमीने को सब पता था लेकिन इसने सुबह नहीं बताया, सुबह बताता तो मैं सुबह छुट्टी कर लेता, पूरा दिन काम लिया अब रात में भी काम पर लगा दिया। क्या कर सकते हैं, यहाँ बैठकर अब इसकी रखवाली करनी होगी। मालिक गोदाम की रखवाली कर दी है मैंने, मुझे बहुत नींद आ रही है मालिक, जा रहा हूँ घर आराम करने सोऊंगा वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अरे आज तो खेतों में बहुत सारा काम है कालू, ऐसे करने से कैसे काम चलेगा, अभी जाकर खेतों में काम कर। हाँ आज तो फसल कटनी है, आज कुछ नहीं कल के बारे में भले सोचेंगे, आज कुछ भी नहीं जा खेतों पे काम कर। और आज तूने अगर छुट्टी की तो तेरी हमेशा की छुट्टी तय है, याद रखना। मालिक ये क्या कह रहे हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, रात भर सोया नहीं हूँ, अब वो मुझे कुछ नहीं पता। अरे ये कौन सा काम है, रात में भी बुला लिया अभी तक नहीं आए हैं, क्या हो गया, ये सब तो समझ में नहीं आ रहा है।
अरे क्या बात है कालू भैया, आंखें लाल लाल क्यों लग रही है तुम्हारी? अरे क्या बताऊं गुन्नू, कल गोदाम में रात भर जगा हुआ हूँ और आज इसने खेत में काम में लगा दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मेरा क्या होगा, सर चकरा रहे हैं, खाना भी नहीं खाया है। अरे क्या गप्पे मार रहे हो तुम दोनों, जल्दी जल्दी काम करो। ये ले आ गया, अब जल्दी जल्दी कटाई कर ले वरना ये यहीं पे हम लोगों की क्लास लगा देगा। सुनो कालू, घर चले जाओ और एक घंटा आराम करके गोदाम चले जाना, वहाँ पर बहुत जरूरी है रखवाली। मालिक बहुत थक गया हूँ, अब आज काम नहीं हो पाएगा। मेरे से जुबान लगाता है, काम नहीं हो पाएगा, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा और अगर नहीं किया तो काम से ही निकाल दूंगा, याद रखना। अरे ये कौन सा कौवा है, मर गया है क्या? लगता है सांसें चल रही है, जिंदा है अभी। अरे कहाँ जाना था इसे? ओह कहाँ हूँ मैं? अरे तू मेरे जंगल में है, कहाँ जाना है तुझे? अरे आप तो एक बाज हो। हाँ मैं बाज ही हूँ, चल तुझे पहुँचा दूँ, कहाँ जाना है बता। मुझे तो अपने घर जाना है। अच्छा लगता है तू बीमार है, चल मैं पहुँचा रही हूँ तुझे। कोई घर में है? निकलो बाहर। ये क्या हो गया? अरे बिजली, बहुत थकान हो गई है, मुझे सोना है। अच्छा अच्छा आओ आओ, जल्दी आओ घर में आओ। अरे वाह, आज ताजगी लग रही है, कल तो लग रहा था बेदम हो गया हूँ, अब तो जिया ही नहीं जाएगा, पर आज थोड़ा आराम लग रहा है, जान बची। मुझे तो लगा था पता नहीं क्या होगा। अरे क्या बात है, कालू महाराज आए हैं। हाँ महाराज जी, कहिए क्या बात है। मालिक मैं काम पर आया था। कैसा काम, कौन सा काम? हाँ कल मैंने तुझे कहा गोदाम की रखवाली, तूने किस चीज की रखवाली की थी? कुछ भी नहीं करा है तूने, अब तुझे कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे और मैं तुम्हें कोई काम में नहीं रखने वाला, जा यहाँ से। मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक, काम नहीं रहेगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? अरे उसका ठेका मैंने नहीं ले रखा है, मैंने पहले ही कहा था। हाँ तेरे जैसे कितने हैं, ये देख भैरव काम करने को तैयार है, तू नहीं करेगा तो भैरव करेगा, अब जा यहाँ से, अपनी शकल मत दिखा मुझे। क्या करूंगा, अब तो समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी बड़ी बेकार सी लग रही है, मेरे पास कोई काम नहीं है, ऐसे में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं अपने परिवार को कौन सा खाना खिलाऊंगा, क्या करूंगा मैं?
सुना मैंने कौवे, तू रो रहा है। क्यों रो रहा है तू? इतना रोना अच्छी बात नहीं है। मत रो, एक रास्ता बंद होता है तो हमेशा ऊपर वाला दूसरा रास्ता खोल देता है। अरे अम्मा, मेरे लिए तो लगता है जैसे ऊपर वाले ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। अरे नहीं नहीं, तू बुद्धू है, अभी देख। ये ले, तू ले जा। गांव में इस तरह की चीजें कोई नहीं बेचता। तू ले जा और तू बेच, अच्छा मुनाफा कमाएगा और एकदम अपना काम होगा। कभी डर नहीं लगेगा कि कौन मुझे काम पर रखेगा और कौन काम पर नहीं रखेगा। कलमुहा, इतनी अच्छी चीजें कहाँ से लेके आया? अरे वाह वाह वाह, ये तो हाथों हाथ बिक जाएंगे। अरे बिजली, कमाल हो गया। बूढ़ी अम्मा ने मेरी बहुत मदद की है और कहा है उसी बांस झुंड के पास रोज आऊं, रोज मुझे सामान मिलेगा और मैं उन सामानों को बाजार में बेचूंगा तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदे वाली बात है। हाँ हाँ, यही है, मैं ऐसा ही करूँगा। अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ हो? सामने आओ। क्या बात है, क्यों याद कर रहा है मुझे? अम्मा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। जब मुझसे सबने मुंह फेर लिया तब तुमने मेरी मदद की है। अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं है, नेक दिल वाले लोगों के लिए हमेशा मैं अच्छी ही रहती हूँ और बुरे दिल वालों के लिए बहुत बुरी। अरे कहाँ फंस गया मैं? किस मुखिया के पास फंस गया? दिन रात बैल की तरह मुझसे काम करवाता है। अरे भैया कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो घर जा रहा था। कालू भैया, तुम ही बच गए। मैं तो फंस गया हूँ मुखिया के पास, दिन रात काम करता हूँ। कभी कभी लगता है पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, इतना काम। अरे भाई, वो तो है ही वैसे, अब इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं किया जा सकता। अरे कालू भैया, तुम तो अपना काम करते हो, मुझे अपना नौकर रख लो, तुम्हारा काम कर दूंगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, ईमानदारी से दुकान पर बैठकर बेच सकेगा तो तू मेरे सामान को बाजार में बेच, मैं तुम्हें सामान लाला कर दूंगा। हाँ भैया, कर लूंगा, एकदम ईमानदारी से करूंगा, एकदम टेंशन नहीं लो।
अरे ये साला कहाँ से लाता है इतना सारा सामान? अगर देख लूं तो मैं तो अपना धंधा खुद ही कर सकता हूँ। तो ये बात है कालू भैया, अब ऐसा नहीं चलेगा, कल से सारा सामान मैं ले जाऊंगा। अरे कहाँ है सामान? सामान नहीं दिख रहा है। अरे वो बांस के झुंड, जल्दी से सामान दे दो। अरे वो बांस के झुंड। अरे लालची कौवे, तुझे लगता है कालू का राज पता चल गया है? अरे कोई नहीं, बहुत दिनों से कौवे का मांस नहीं खाया, चल आ लालची कौवे। अरे जाने दो अम्मा, अब भूल हो गई अम्मा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे आजा। अरे भैरव कहाँ चला गया? ये भी ना एकदम आलसी है, मैं ही दुकान पर बैठ जाता हूँ। और कालू कौवा सामान बेचने लगता है। कुछ दिनों तक जब भैरव नहीं आता है तो कालू ही खुद अपना सामान बेचने लगता है।